चार राज्यों में जो चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी को जो जीत मिली, मैं उन चारों राज्यों के नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं। ये जीत मिली है मोदी जी के विश्वास की, ये जीत है गरीबों में, मध्यम वर्गियों में, महिलाओं में जो विश्वास मोदी जी ने जगाया उसकी ये जीत है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश से सीधा दिल्ली का रास्ता जाता है तो 2024 का अपचित्र भी इस विजय से करीब करीब स्पष्ट हो चुका है। मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं, हम सब लोग बहुत खुश हैं। हमने यहां पर आनंद उत्सव भी हमने मनाया है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। इस महाराष्ट्र के अंदर अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, इस प्रकार का जो प्रशासन इस सरकार के माध्यम से तैयार हुआ है उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और चाहे वो मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचारियों से निजात दिलाना हो या फिर महाराष्ट्र के आम आदमी को और किसानों को राहत दिलाना हो, हम ये करते ही रहेंगे। सर, एक सवाल है आपसे, उत्तर प्रदेश गोवा झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है, इस तरीके के नारे लग रहे हैं, तो क्या हम कुछ दिनों में या कुछ महीनों में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन देख पाएंगे? देखिए, महाराष्ट्र का सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। 2024 में पूर्ण क्षमता के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहाँ पर बनाएगी।